सो हेलो एडिटर, आज कुछ इस टाइप का फुल HD CV फोटो एडिट करना सीखेंगे एंड फेस को भी फुल HD में स्मूथ यानी गोरा करना सीखेंगे। तो आप लोग इस वाला वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग भी मेरे जैसा सेम टू सेम फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। अगर आप लोग इस वाला वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे, इसलिए बोल रहे हैं इस वाला वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देख लेना। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन का उसको भी ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। A few moments later. So okay guys, सिंपली से जिस भी आप लोग को फोटो को एडिट करना है वो वाला फोटो को ऐड कर लेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। मैं ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ एंड ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ से एक प्रीसेट को यूज करेंगे, ठीक है। इस वाला प्रीसेट आप लोग जरूरी से जरूरी डाउनलोडिंग कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ रहा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, सो उसके बाद राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये हम लोग का प्रीसेट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अपना पिक ले लेंगे, ओके। एंड लेने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये रहा थ्री डॉट का ऑप्शन। सो उसके बाद हम लोग यहाँ से पे सेटिंग करेंगे, ठीक है। पे सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो हल्का सा हम लोग का पिक लोडिंग लेगा एंड वन क्लिक में कुछ इस टाइप से हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा स्लाइड करना है एंड स्लाइड करने का कलर का ऑप्शन होगा तो इस पर क्लिक करना, ठीक है। एंड उसके बाद मिक्स कलर पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद रेड कलर का सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, -24 कर लेंगे। उसका डन का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक करके सैंपल को बढ़ा लेना है एंड उसका नॉइज़ को बढ़ा लेंगे, कंटेनेंस को भी बढ़ा लेंगे एंड कलर नॉइज़ को भी बढ़ा लेंगे एंड डिटेल स्मूथिंग को 100 कर देंगे, ओके। एंड उसके बाद हम लोग का लाइटिंग से एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वाला फोटो को शेयर कर लेंगे, तो शेयर पर क्लिक करेंगे एंड शेयर पर क्लिक करना, शेयर टू पर क्लिक करना है। तो ये रहा शेयर टू का ऑप्शन, इस वाला फोटो को शेयर कर लेना है अपने ऑटो स्केच बुक के अंदर। ऑटो स्केच बुक में जाने के बाद अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे, वो भी फुल HD में। चलिए इस वाला फोटो को शेयर करके अपने ऑटो स्केच बुक में ओपन कर लेते हैं। सो ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं स्केच बुक में आ गया। उसके बाद हम लोग को टूल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग एक ब्रश का यूज करेंगे, ठीक है। और समझ नाम का आप लोग का बहुत सारा ब्रश दिख जाएगा, इसका मतलब दूसरा नंबर ब्रश को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर पर क्लिक करके आप लोग सेटिंग देख सकते हो, स्टेन को 5%, फॉलो को 1%, साइज को अपने अकाउंट रख सकते हैं। उसके बाद फोटो को जूम कर लेंगे एंड जूम करने में यहाँ से साइज को अच्छा से सेलेक्ट कर लेंगे कुछ स्टेप से करके एंड अच्छा से अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे, जैसे हम कर रहे हैं आप लोग भी सेम टू सेम कर लेना। तो चलिए मैं फटाफट पूरे फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना OP हम लोग का फेस स्मूथ हो गया है। उसके बाद फेस पर थोड़ा ब्राइटनेस कम है यानी लाइट कम है, लाइट देने के लिए सिंपली से टूल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड हम लोग यहाँ से एक ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे एंड इस वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ गया यार, तो ये रहा ब्रश, ठीक है। आप लोग बहुत यहाँ पर बहुत सारा आप लोगों को ब्रश मिल जाएगा, इससे मतलब ई वाला ब्रश को यूज कर लेना, ठीक है, मार्कर मार दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग सेटिंग देख सकते हो, ऑफसेट फुल 100 एंड साइज को अपने अकाउंट फोटो के अकाउंट कट का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके एंड प्लस करके हम क्लिक करके नया लेयर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसी लेयर पर क्लिक करेंगे, ओके। एंड यहाँ से नॉर्मल पर क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर लेंगे, तो ये रहा सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन। सो उसके बाद कट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप लोग भी सिलेक्ट कर लेना एंड कट का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फोटो को जूम करके हल्को हल्को हाथों से पूरा स्किन को व्हाइट कर लेना है। चलिए मैं फटाफट पूरे स्किन को व्हाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो ओके गाइस, आप लोग फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, तो कितना फेस पर हम लोग का लाइट आ गया है। लाइट कम करने के लिए लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करेंगे तो ये रहा सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन एंड इसका ऑपेसिटी को डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, मिनिमम हम लोग 44 कर लेंगे, ठीक है। एंड मर्ज अल्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग का फाइनल ऑटो स्केच बुक से एडिटिंग कम्प्लीट हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद हम लोग को शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने बाद अदर्स पर क्लिक करना है एंड इस वाला फोटो को डायरेक्ट शेयर कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए मैं इस वाला फोटो को पिक्सआर्ट में शेयर करके ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। सो ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट में अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है, ओके। एंड इस पर क्लिक करने बाद हम लोग को यहाँ से कलर पर क्लिक करना है, तो ये रहा कलर का ऑप्शन। कलर पर क्लिक करने बाद सिंपली से कलर डिस्प्लेस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद प्लस करके पकड़ कर ले जाकर बैकग्राउंड पर छोड़ देंगे, ओके। एंड उसके बाद हम कलर ह्यू को कुछ इस टाइप से करके रेड कर लेंगे, ठीक है, अपने बैकग्राउंड को रेड कर लेंगे। तो रेड करने के बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक आप लोग को टूल्स का ऑप्शन मिलेगा तो ये रहा टूल्स का ऑप्शन
एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे, कहाँ गए टूल्स, ये रहा ठीक है, एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ इस तरह से दोनों फिंगर से पकड़ लेंगे एंड छोटा करके कुछ नीचे साइड ला के छोड़ देंगे ओके। एंड अमाउंट को हम लोग मिनिमम 15 के आसपास में कर लेंगे ठीक है, आप लोग भी कर लेना। उसके बाद राइट का ऑप्शन नहीं क्लिक करना है, इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है। तो ये इरेज का ऑप्शन, सो इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट पर क्लिक करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे हल्का सा लोडिंग होगा, हम लोग का पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसके इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करना, अगर बॉडी आप लोग का ब्लर हो गया हो तो कुछ इस टाइप से इरेज करके हटा लेंगे ठीक है ब्लर। एंड उसके बाद राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये रहा राइट का ऑप्शन। सो गए राइट का ऑप्शन पर क्लिक करने बाद एक बार फिर से राइट का ऑप्शन पर टाइप करेंगे। सो उसके बाद हम लोग को स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन। सो इस पर क्लिक करके PNG को ऐड कर लेंगे। सो गए PNG को ऐड करने के बाद सिंपली से हम लोग को इस वाला PNG को यहाँ पर ला कर छोड़ देंगे एंड लाइट PNG पर क्लिक करना है। उसके बाद स्लाइड कर लेंगे, स्लाइड करने के बाद यहाँ पर ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, तो ये रहा ब्लेंड का ऑप्शन। सो गए ब्लेंड का ऑप्शन पर क्लिक करने से हम लोग स्किन कर लेंगे, तो ये रहा स्किन का ऑप्शन। सो स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे तो जो ब्लैक होगा वो हट जाएगा, कुछ इस टाइप से 12 कर लेंगे एंड थोड़ा सा और 12 करना पड़ेगा यार, इस टाइप से 12 करके साइड में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है एंड उसके बाद हम लोग को कुछ छोटा कर लेंगे, इस टाइप से यहाँ पर ला देंगे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको एंड यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग किंग PNG पर क्लिक करना है ठीक है, किंग वाला PNG पर क्लिक करके स्लाइड कर लेंगे, ब्लेंड पर क्लिक कर स्क्रीन कर लेंगे, इसको भी 12 करेंगे एंड लाइट PNG भी एडजस्ट कर देंगे ओके। उसके बाद हम लोग को बुके पर PNG पर क्लिक करके स्लाइड कर लेना है, ब्लेंड पर क्लिक कर स्किन कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से 12 करके पूरे बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देंगे। सो गाइस उसके बाद इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से इरेज का ऑप्शन पर क्लिक कर जो बॉडी पर इफेक्ट आ गया बुके का इस टाइप से हटा लेंगे ठीक है, बुके पर PNG को हटा लेंगे एंड राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से एक बार राइट का ऑप्शन पर टाइप करेंगे एंड उसके बाद ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करके PNG को ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से PNG पर क्लिक करना है एंड स्लाइड करना है, स्लाइड करके ब्लेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर स्किन करके कुछ इस टाइप से 12 कर लेंगे, ऊपर साइड एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हम लोग का ऑल टू ऑल एडिटिंग कम्प्लीट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद हम लोग इस फोटो को फुल HD में सेव करेंगे, उसके लिए ड्रॉ का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ड्रॉ का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऊपर साइड एक थ्री ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है ओके। एंड उसके बाद हम लोग को सेव इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो हम लोग गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस जितना इस वीडियो में PNG का यूज हुआ है आपको ऑल PNG इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, तो डाउनलोडिंग कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे इन कहते हैं, आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कॉमेंट करके बताना आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।